आप ये सब जो प्रोडक्ट यहाँ देख रहे हैं, इन सब में एक विशेषता है। पहले मैं चाहूंगा कि आप इसे सभी प्रोडक्ट्स को ध्यान से देखें, ऐसा क्या है इनमें जो बरपस ही ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये विदाउट प्लास्टिक हमारे दिन प्रतिदिन के इस्तेमाल करने वाली वो सभी चीज़ें हैं, कंघी से लेकर ब्रश से लेकर आपका शेविंग किट से लेकर जो भी बॉटल्स हैं, ये देखिए, ये सभी या तो मेटल और अदरवाइज पेपर और वुड से ये सब कुछ बना हुआ है। प्रोडक्ट दिखाने के बाद मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा, हमारे ये युवा साथी जिन्होंने एक अच्छी सोच से ये सब कुछ निर्माण किया है। ये देखिए जी, आपके बकेट्स भी आप देख सकते हैं कितने सुंदर यहाँ इस तरह से बनाए हुए हैं। ये देखिए फोरिस्का। चलिए जी, आइए, आप दोनों आइए प्लीज। आप दोनों को नमस्कार है। क्या नाम आपका? मेरा नाम नचिकेता है। मेरा नाम शिव है। क्या नाम? नचिकेता। नचिकेता और वाह, शिव, भगवान शिव। सावन में नचिकेता और शिव दोनों एक ऐसे नाम है सच में जिनका बहुत ही अद्भुत काम है। आप बताइए, ये कैसे विचार आया मन में? हमारा एक्चुअली हॉस्पिटैलिटी और बिजनेस का बैकग्राउंड है जी, और हमने ये पाया कि होटल्स में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सिंगल यूज प्लास्टिक की जी। तो ज्यादातर होटल्स में सिंगल यूज प्लास्टिक की सारी अमेनिटीज रहती हैं, तो कोई भी चीज जो सिंगल यूज है वो सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली नहीं होती, पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं होती। तो उसके लिए हमने ये सारे चीजों का उत्पादन किया है जो इको फ्रेंडली है जी, सस्टेनेबल है और सिंगल यूज नहीं है, मल्टीपल यूज है। वेरी गुड। तो टूथपेस्ट का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, हमने टूथपेस्ट की टैबलेट्स बनाई है। टूथपेस्ट की टैबलेट्स, क्योंकि जो टूथपेस्ट का ट्यूब होता है हाँ, वो रिसाइकल नहीं हो सकता। अच्छा, तो इसको एक ड्राई फॉर्मेट बनाने के लिए हमने टूथपेस्ट की टैबलेट्स बनाई है जो हम अपने डेंटल किट में देते हैं फॉर एग्जांपल। ओके। हमारा रेजर भी जो है ये कॉर्क का है, ये रिसाइकल कॉर्क होता है। ओके। पेन आप देख सकते हैं वुडन है। हमारी नोट पैड पेंसिल प्लांटेबल है, इनमें सीड्स होते हैं। ओके। बाद में अगर कहीं जाएगा तो वहाँ प्लांट निकल आएगा, वेस्ट में भी अगर डालेंगे तो। कोम जैसे MDF की रिसाइकल वुड की है, नीम वुड जो आपको पता है हमारे बालों के लिए जी, अच्छा जी, होता है। बहुत बढ़िया। कॉटन, पेपर, मेटल वुड, अलग अलग तरह की वुड, तो इन सबको इस्तेमाल किया। ये हमने बहुत इस्तेमाल किया इसको। लूफा जूट का है। जूट का हमारी शावर कैप से भी प्लास्टिक जैसे दिखने वाला मटेरियल है हाँ, बट ये कॉर्नस्टार्च डिराइव्ड होता है। अच्छा, तो इसको PLA बोलते हैं, कॉर्नस्टार्च से बनता है। तो ये भी पानी में या सॉइल में 6 महीने में बायोडिग्रेड हो जाता है। तो आप पूरी तरह से प्रकृति को बचाने के लिए भी एक मुहिम आपका चल रहा है। और हमारा एक मेक इन इंडिया की तरफ फोकस है, तो हाँ, इंडिया में भी सप्लाई करते हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं कि विदेश में भी चाइनीज प्रोडक्ट्स की जगह इंडियन प्रोडक्ट्स का नाम बने, क्वालिटी प्रोडक्ट्स। आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं? हम मेनली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब इंडियन मार्केट में भी हम अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। अब बढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। आपने कब शुरू किया था ये? 4 साल पहले शुरू किया था। बहुत सुंदर जी। और कोई ऐसी विशेष बात जो आप बताना चाहते हो दर्शकों को? जो अभी तक हम मेनली B2B फोकस कंपनी में हैं, होटल में हमारा सप्लाई है। ओके। बट अगले क्वार्टर में हम रिटेल में भी इनका एक वर्जन लॉन्च कर रहे हैं, तो सून आपको ये प्रोडक्ट्स ऑनलाइन अमेज़न और हमारी वेबसाइट पे भी मिल पाएंगे। अपनी डालिए, अमेज़न पे मत डालिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है जी। मैंने आदिवासियों से हेयर ऑयल, उनको कहा कि खुद ऑनलाइन सेल करना शुरू करें, आप ऐड देखते होंगे, और वो ऐड बेच के एक कर्नाटक के एक आदिवासी गांव से खुद ही सेल कर रहे हैं, खुद ही ऐड फिल्म बनाई है। और जो लंबे बालों वाला अक्सर आपने देखा होगा फेसबुक और इन सब पे। तो मेरा सबसे यही निवेदन है दर्शकों से भी और मैन्युफैक्चरर्स जितने हैं, हम बजाय अमेज़न के पास जाने का फिर एक प्रॉफिट विदेश में जाता है, हम क्यों नहीं अपनी वेबसाइट से, आज आप सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप से, आप इंस्टा से, इस माध्यम से भी अपनी विज्ञापन फिल्म बना के आप सेल कर सकते हैं, और आपको एडवांस पैसा आएगा, किसी का पैसा मरने का भी खतरा नहीं है, पैसा आएगा तो आपका माल जाएगा। तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन सबको तैयार किया, हर गांव में बच्चों
लोगों को मोबाइल। हमारे प्रधानमंत्री का जो विजन है मेक इन इंडिया स्टार्टअप, आज भारत के युवा उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि भारत किसी भी देश से कम नहीं है। हमारे प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल में कहीं भी आप रख दीजिए, जो पहले आज से 20 साल पहले कहा जाता था कि बाहर का सामान बहुत अच्छा होता है, अब वो पूरा रिवर्स हो चुका है। आज भारत बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है और इसके पीछे हम सब भारतीय युवा जो इस प्रेरणा से काम कर रहे हैं कि जो हमें पृथ्वी ने, हमें प्रकृति ने दिया है, उसका हम दोहन ना करके उसके माध्यम से सबको स्वस्थ रख सकें, हम अपनी धरती को बचाएं प्लास्टिक यूज ना करके। और ये सिद्ध किया है इन दोनों दोस्तों ने। मैं इन सचमुच में इन दोनों को हृदय से बधाई देता हूं। और इसी प्रकार से युवा अपने देश का नाम ऊंचा करेंगे, ना सिर्फ पैसा भी कमाएंगे बट एक स्वस्थ माहौल पूरे देश को, पूरी जनता को देंगे। यही मैं अपने चैनल निर्मल रतनलाल वैद्य के द्वारा आप सबको बताना चाहता हूं। आप मेरे चैनल के साथ जुड़ें और इस प्रकार के जो भी अद्भुत कार्य कर रहे हैं उन सब के बारे में मुझे जानकारी दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं और उन सबका हृदय से वो इस प्रकार के कार्य करें। जय हिंद, जय भारत।